दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज इनविजन के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी आई है, एक नहीं बल्कि दो पर्सनैलिटी आई है, जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी अच्छा कामकाज किया है और आगे भी इनका ये जो कारवां है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अध्यात्म किसे पसंद नहीं है। हर मजहब, हर धर्म के लोग अब अपने भगवान के लिए इबादत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अध्यात्म के बगैर ये जीवन अधूरा सा है और अध्यात्म को बढ़ाने के लिए अपने जीवन का संवर्धन करने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, मोक्ष की कामना करने के लिए आखिरकार हमें किस पथ से जाना पड़ेगा, यही जानने के लिए अध्यात्म गुरु के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे इस समय में हमारे साथ में मौजूद है श्री अम्बा माई मंदिर पचमढ़ी मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हुए है आचार्य राजुल पांडे जी उर्फ राधे। राधे जी हमारे साथ में। राधे जी प्रणाम। धन्यवाद संजय जी। इसके बाद मैं परिचय करवाना चाह रहा हूँ मेरे दूसरे जो यहाँ पे मेहमान है, आप है नागपुर के ही, दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले साकेत नगर में जिनका अपना रहना है, ऐसे निवासी जीवन बात्री सा नितिन बात्री जी भी हमारे साथ में है, जो ये तमाम कार्यक्रमों का आयोजन बखूबी के साथ करते हैं। तो दर्शकों, दोनों मेहमान मेरे साथ में हैं और हमारी ये कार्यक्रम की परंपराएं होती है कि आए हुए मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो गुरुजी आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, गुरुजी के बारे में मैं इतने बता देना चाहता हूँ दर्शकों के। गुरुजी, आपने एमए संस्कृत की पढ़ाई की है जी, साथ ही साथ आपने एमए दर्शन शास्त्र में एमए भी किया है जी। दर्शकों, इतने नहीं तो राजुल पांडे जी उर्फ राधे राधे, आप जो गुरुजी है, आचार्य है, आचार्य जी, आपने शिक्षा शास्त्री की जो डिग्री जो हासिल की है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने किया है जी। इतने नहीं तो सागर के डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय से आपने बीएड भी किया है जी। और तमाम कार्यक्रमों के बारे में तो क्या कहना है, क्योंकि जब भी आप खड़े होते मंच पे सबका दिल जीत लेते हैं। मेरे साथ में जो दूसरे मेरे मेहमान हैं नितिन बात्री साहब, ये शानदार आयोजन करते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा आध्यात्मिक की ओर इनका रुझान होता है और हर लोगों के काम का जाना और सब तरफ मंगल कार्य होना चाहिए, यही भावनाएं इनकी अच्छी है। तो दर्शकों, अब हम सीधा रुख करने जाएंगे हमारे दो मेहमानों के पास। पहला सवाल मैं यहाँ आए हुए मेरे पहले मेहमान आचार्य यानी गुरुजी से मैं पूछना चाहूँगा। गुरुजी, ये रहा खास मुलाकात में पहला सवाल जी, आपका अब तक का वर्तमान कार्य किस प्रकार से रहा है, क्या कहना चाहोगे राधे राधे जी आप जी। धन्यवाद सर। पहली बात तो आपके इस चैनल में, BCN चैनल में आपने मुझे जो बुलाया जी, आपका धन्यवाद है, आपके सारी टीम का धन्यवाद है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और बुलाया। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मेरा कार्यकाल क्या रहा है, सर मेरा जन्म हुआ है 20 जून 1978 को जी, उत्तर प्रदेश रायबरेली शहर में। उपरांत शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो शिक्षा हुई वो मध्य प्रदेश बालाघाट जिला में। जिस बालाघाट जिला में मैं 12th तक पढ़ता रहा जी। उसके बाद घर से भी ऐसा रुझान हुआ कि क्यों ना ये जीवन हम अध्यात्म और दर्शन के लिए लगा दें, और मन में ऐसा विचार बना तो जिसमें मेरी माता का देहांत हो गया, मुझे 14 माह का था तब से। आप कैमरे की ओर देख सकते हैं। तो जो बुआ है मेरी, बुआ के यहाँ पालन पोषण हुआ जी, और बुआ ने कहा कि जब इसकी माँ नहीं है तो इसको क्यों ना हम धर्म और अर्थ की ओर लगाए, और जो शिक्षा रही उसमें एमए संस्कृत जी, एमए संस्कृत मैंने जबलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की हाँ जी, बाद में एमए दर्शन शास्त्र सागर विश्वविद्यालय से जी, फिर शिक्षा शास्त्री के लिए BHU बनारस विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री में अध्ययन किया जी। उपरांत मेरा चयन धर्म गुरु के लिए हुआ, आर्मी के लिए, इसमें चयन भी हुआ और मैं वहाँ पहुँचा, पर दुर्भाग्यवश कहो या ईश्वर पक्ष में नहीं थे, मेरी ऊंचाई कम हो गई 2 सेंटीमीटर। पुनः जा फिर मैं जॉब में आया
मैंने बीएड किया सागर विश्वविद्यालय से, हरिशंकर डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय से जी जी। फिर शिक्षा कर्मी वर्ग दो के पद पर सुशोभित रहा 1998 से जी, 98 से रहा जी। तो 2006 तक शिक्षा कर्मी वर्ग दो में नौकरी करता रहा। उसके बाद फिर श्रीमती की जॉब लगी और मन हुआ कि इसको छोड़ो जी। और जो अध्ययन हमने किया है उसी पे चलो, इस जीवन को परमात्मा की ओर, अध्यात्म की ओर, दर्शन की ओर, संस्कृति की ओर लगाओ। क्योंकि केवल भारत देश में जन्म ले लेना ही भारतीय नहीं है, यहाँ जन्म लेकर भारतीय संस्कृति को अपनाना, जन जन तक के धर्म संस्कृति विज्ञान का प्रचार प्रसार करवाना, ये जीवन का उद्देश्य रहा मेरा। और इसी उद्देश्य को लेकर के धार्मिक अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय मंत्र जाप है, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, नर्मदा महापुराण, हरिवंश महापुराण, इन पुराण के माध्यम से लगभग 168वीं कथा अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले मैं बनारस से आया हुआ। आचार्य जी ये बताइए कि जिस प्रकार से आप जिस अंदाज में भागवत कथा का आयोजन करते हैं, भागवत कथा लोगों को सुनाते हैं, श्रद्धालु झूम उठते हैं और काफ़ी जयकारा भी होता है जिससे पूरा परिसर सराबोर उठता है और जयकारों के नारों से गूंज उठता है, एक जो खुशनुमा जो वातावरण होता है भागवत कथा के माध्यम से किया जाता है। तो ये बताए कि भागवत कथा के माध्यम से आप सही मायने में श्रद्धालुओं को या इस देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा उद्देश्य रहा है जी कि धर्म और विज्ञान, धर्म के बगैर विज्ञान अंधी है और विज्ञान के बगैर धर्म भी लग रहा है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो मानव जाति में जन्म ले लेना ये हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है जी। किंतु यहाँ पर आकर के मानव को मानव बनाने में सारा जीवन लग जाता है। तो रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की, और तन से ज्यादा आवश्यकता है मन के भी उपचार की। क्या तन मन दोनों स्वस्थ स्वच्छ हो जी तभी बात बन सकती है, और मन के अंदर की प्रफुल्लता अधरों पर आ खिलती है। तन के साथ मन का उपचार होता है अध्यात्म और दर्शन से। तो मेरा उद्देश्य है कि भारतवर्ष में अपितु समस्त संसार में तन के साथ साथ मन का उपचार भी हो। और मेरा उद्देश्य जीवन में यही रहा है कि आज भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होने जा रही है, तो धीरे 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 हम अपने संस्कृति को भूल रहे हैं। बड़ों का सम्मान समाप्त हो रहा है, परिवार समाप्त हो रहे हैं, लोग छोटे छोटे परिवार में रहना पसंद करने लगे हैं। बड़े बुजुर्ग जिनका सहारा हमारे परिवार पे बना हुआ होता था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य है कि मानवता को उनके मन के उपचार के साथ उन्हें जीवन में कैसा जिया जाए ये सिखाया जाए और स्वयं भी सीखा जाए। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ जानकारी इस समय में राधे राधे आचार्य जी इन्होंने दिया है। इनका यह मानना है कि तन की तो सफाई हम साबुन और बाकी के चीज़ों से कर सकते हैं, मगर मन इतना मैला होता है, हर जीव का मन मैला होता है। लेकिन क्या यदि अपने शर्ट को या पैंट हो या कोई अपने जो वस्त्र जो पहनने जो जाते हैं हम, यदि वे मैले हो जाते तो क्या उसकी धुलाई नहीं करते, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं? यकीनन हम उसकी साफ़ सफाई भी रोज़ाना करते हैं, बशर्ते हमें वे करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आचार्य महोदय ने ये कहा है कि यदि हमारे मन की भी साफ़ सफाई करना है तो उसके लिए एक ही साबुन है और वो है अध्यात्म। भगवान की ओर बढ़ने का जो कार्य है वो है, उनकी जो सीढ़ियाँ हैं, पहली सीढ़ी है मन को साफ करना है, तो अध्यात्म एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम भगवान के पास जा सकते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सकते हैं। ऐसा ही राधे राधे जी आचार्य इन्होंने कहा है। अब दर्शकों हम रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ में नितिन बात्री साहब भी है, उनसे जानना चाहेंगे। नितिन जी, अक्सर ये देखा गया कि नागपुर शहर में हो, विदर्भ में हो या महाराष्ट्र में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, समस्त मांगलिक कार्य होते हैं जिनका जिम्मा आपके ऊपर में रहता है, किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को वहन करते हो या आगे बढ़ाते हो, क्या कहना चाहोगे नितिन जी? श्री महामृत्युंजय मंत्र ओम हौम जूम सह ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वा रुक्मिव बंदनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् ओम सह जूम होम। संजय जी, महामृत्युंजय मंत्र का जो महत्व है वो हमारे सबके जीवन में बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई मृत्यु के निकट होता है या उसे कोई ऐसी बाधाएं हैं जो जीवन में समाप्त नहीं हो पा रही है, तो हमारे देवादिदेव महादेव बाबा महाकाल, यदि हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं या अगर हमारे पास साधन हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हम आचार्य जी के द्वारा, हमारे मंडल के द्वारा अगर आप करवाते हैं तो आपको शत प्रतिशत उसका सही लाभ मिलता है। उसी के साथ में श्री शिव महापुराण, ये 9 दिन की कथा होती है जिसमें 24,000 श्लोक है। श्री शिव महापुराण में 9 दिन की कथा है, परम पूज्य आचार्य जी के द्वारा हमारे भारतवर्ष में लगातार चली आ रही है, जिसमें करने से श्री शिव महापुराण का जब आप आनंद लेते हैं, उसका स्वादानुसार आप उसको अपने मन में, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो सकारात्मकता में परिवर्तित होती है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा घर, हमारा ये जो भारतवर्ष है, ये लगातार इसमें उन्नति हो, हमारे पड़ोसी राज्य में प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, ये जैसे जैसे श्री शिव महापुराण का लगातार क्रम चलता है, पहले दिन से 9वें दिन तक आपके जीवन में, हमारे भारत में आप देख रहे हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्वान परम पूज्य आचार्य हैं, समस्त आचार्यों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके द्वारा जो लगातार निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार हो रहा है, श्री शिव महापुराण, श्री महामृत्युंजय मंत्र, ये सभी आचार्य जो अपना निस्वार्थ भाव से हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, इस विश्व के लिए लगातार जो प्रयासरत हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनके वजह से हमारे इस देश में शांति है और ये शांति हमेशा रहेगी, भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि हमारा पुराण, हमारे सनातन धर्म में टोटल 18 पुराण है कुल। इस पुराण में सभी में ये हमें संदेश दिया गया है कि भाईचारा से रहिए, आपस में प्रेम रखिए, माता पिता का हमेशा हमें सम्मान करना है, भाई बहन सबको साथ में लेके चलना है, हमारे पड़ोसी में भी अगर कोई पड़ोसी जो है उसको भी कोई तकलीफ है तो उसको तुरंत उसकी यथाशक्ति उसकी मदद करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथ ने हमें सिखाया है जी, ग्रंथ ने हमें बताया है कि आप, हमारे आचार्य जितने हमारे भारतवर्ष के आचार्य हैं, ये सबने, इन्होंने कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। आपकी, हमारी, संजय जी, जीवन जो है सिर्फ 7 दिन का है, सोमवार से इतवार पूरे जो दिन है, कब हम प्रभु के चरणों में चले जाए ये आपको, हमें किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो प्रभु ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, तो मेरी सभी से, दर्शकों से और पूरे भारत से मैं आग्रह करता हूँ कि हम सब ऐसा जीवन जिए कि जिससे हमें, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब खुशहाल रहे। और जैसे जैसे आप श्री शिव महापुराण का आप रसपान करते हैं, तो उसमें आपको किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से आपने दुख की घड़ी में बाबा भोलेनाथ के शरण में आप जब जाते हैं, श्री महामृत्युंजय मंत्र का आप जब जप करते हैं या करवाते हैं, तो आपके जीवन की जो समस्याओं का समाधान हो जाता है। बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में जाने से आपकी हर परिस्थिति पूरी नकारात्मकता से सकारात्मकता में आती है। संजय जी, ये काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दिया है कि हर किसी ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देश में ये हमारे भारत की, ये हमारे हिंदुस्तान की यह संस्कृति है कि हम यहाँ इस हिंदुस्तान में, इस भारत में कई मज़हब, कई धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, महावीर जैन हो, ऐसे तमाम तमाम रिलीजन के लोग आज इस देश में रहते हैं और हर किसी का आपस में भाईचारा है, हर किसी ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा देश बलवान भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं फिर से एक बार दर्शकों को रुक करना चाहूँगा, इसमें हमारे साथ में जो हमारे जो पहले मेहमान है आचार्य राजुल पांडे जी उर्फ राधे राधे, मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के जीवन जीने की एक अपनी कलाएँ हैं, कोई पैसे के लिए भाग रहा है, तो कोई अपना नाम कमाने के लिए भाग रहा है, तो कोई अपना बैंक बैलेंस बना के या कुछ अलग अलग क्षेत्र में आके अपना नाम का परचम ऊंचा करना चाहता है,
लेकिन सही मायने में जीवन जीने की कला क्या है और जीवन जीने का मूल उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहोगे आचार्य जी आप? जी जी, मेरे अनुसार, क्योंकि चूंकि मेरा विषय रहा है दर्शन शास्त्र जी, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है अंतर आत्मा से परमात्मा को जानना, उसे देखना जी, उसे देखना। तो अंतरात्मा से ये जानना, पहचानना कि अहम कहस्मि, मैं कौन हूँ और मेरा आना क्यों हुआ है। जिस दिन ये बोध हो जाए, निज ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, उसी का नाम आत्मज्ञान है, तो इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए कि मेरा आना क्यों हुआ है। और आने का एक ही उद्देश्य है कि एक दिन यहाँ से जाना भी है, आने का उद्देश्य यही है कि एक दिन यहाँ से जाना भी है। तो परमात्मा का नाम लेना है, इस मुख से कभी भी किसी को ठेस पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, ये ना हो, इन हाथों से किसी का बुरा हो जाए, ये ना हो, तन मन और वचन से सर्वत्र पवित्र भाव रह करके संसार का कल्याण हो, संसार अग्रसर होकर के उन्नति के पथ पर सदैव बढ़ता रहे, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मन में रख करके उच्च भाव के साथ, उच्च विचार, सादे जीवन के साथ में जिया जाए और परमात्मा का धन्यवाद किया जाए कि हे परमात्मा, तूने मुझे इस विश्व में, इस संसार में और भारत देश में, जिस भारत देश में जन्म लेने के लिए परमात्मा भी तरसते हैं, कभी राम बनकर, कभी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी गौतम बौद्ध बनकर, कभी महावीर स्वामी बनकर, जब जब यहाँ पे धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि भी परमात्मा यहाँ आए हैं तो उनके संदेश घर घर तक पहुँचे और मानवता का धर्म घर घर तक समाहित हो, यही मेरा उद्देश्य है और मेरा यही कल जन जन तक के संदेश है कि वो इस जीवन की सार्थकता को अध्यात्म दर्शन के साथ जिए। बिल्कुल, जैसे गुरु जी ने कहा है कि चिंतनीय ही विपदा मादा मेव प्रतिक्रिया न कूपम खनन युक्तम प्रदीप्ते मंदिरा गृहे। यदि हमारे घर में आग लग गई हो तो समय पे पानी की बौछार करने के लिए कुआं नहीं खोदा जाता, उसका पहले ही बंदोबस्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन को आध्यात्मिक स्वरूप में यदि ढालना है, उस ईश्वर की प्रार्थना करना है, उस ईश्वर के पास जाना है, आत्मा का परमात्मा से यदि मिलन करवाना हो, तो सबसे पहले हमें आध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा, आध्यात्म हमें अर्जित करना पड़ेगा, ज्ञान का सागर हमें लेना होगा, तब कहीं जाकर हम आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, अब हम फिर से एक बार नितिन मात्री साहब इनके पास चलते हैं। नितिन जी, मेरा आखिरी का सवाल ये था जी, कथाएं तो बहुत होती है लेकिन जब श्रीमद् भागवत कथाओं का जब नाम आता है तो लोगों में बड़ा उत्साह सा बना रहता है, क्योंकि हम कई बार ऐसे देखते हैं जब ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का जब आयोजन होता है, जब हम जाते हैं, लोग झूमते हैं, नाचते हैं, बड़े बड़े महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े राधे राधे जी आचार्य जैसे लोग वहाँ पे अपना ज्ञान देते हैं, लोग खुशी से फुलाना समा पाते हैं, लोग गुलशन गुलजार होते हैं। क्या वजह है इसकी, कितना महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का, क्या कहना चाहोगे जी? जी संजय जी, जहाँ सुमती तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमती तहाँ विपत्ति निधाना। संजय जी, श्रीमद् भागवत कथा का जब हमारे समस्त भारत के आचार्य और गुरुवर्य समस्त जब श्रवण पान करवाते हैं तो सब लोग झूम कर, हमारे हम आप हम सब जो मोह माया में बंधे हुए हैं उससे निवृत्त हो जाते हैं, श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगता है, श्री हरि की जब कथा का श्रवण करते हैं तो जब उसका जो आनंद होता है, उस आनंद में जब हम डुबकी लगाते हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं है, निशब्द है हम सब उसके लिए, क्योंकि हम हमारे परम पिता के गोद में उस समय बैठे होते हैं, उनका हमें दुलार प्राप्त होता है, जैसे हमारी माँ हमारे पिता हमें स्नेह करते हैं, ऐसे हमारे परम पिता परम माता इनका जो हमें स्नेह प्राप्त होता है उसकी कोई भी विभूति हम उसमें शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब आप किसी भी कथा पंडाल में जाइए,
वहां का आनंद आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। चाहे कोई भी आचार्य जी जो इतने मेहनत करके निस्वार्थ भाव से जब वो श्रवण करवा रहे हैं हमें, तो जैसे जैसे प्रभु का हमारे कानों में जो हम श्रवण पान करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाता है। साथ ही मैं सभी से ये अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि सिर्फ श्रवण करना ये महत्व नहीं है, उसको अपने जीवन में पालन करना महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, यदि आप रोज एक भी श्लोक पढ़ते हैं और उस श्लोक को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में बहारें आएंगी, आपका जीवन गुलगुलजार हो जाएगा। वहां आपको किसी तरीके से किसी भी समस्या का सामना करने के लिए आपको तकलीफ नहीं जाएगी। बहुत सारी जो ऐसी चीज ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में जब व्यासपीठ से आचार्य जी अपना अनुभव बताते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान जब कराते हैं, तो हर व्यक्ति बस यही चाहता है कि बस प्रभु का नाम स्मरण करता रहे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जी संजय जी, स्तुति कस्य न प्रियः, संस्कृत में इसका अर्थ होता है कि स्तुति किसे अच्छी नहीं लगती, मगर यहाँ पे आज से इन्होंने जिस अंदाज में आध्यात्मिक क्या है, महामृत्युंजय जप क्या है, शिव महापुराण क्या है, देवी पुराण क्या है, श्रीमद् भागवत कथाएं क्या है, और अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है आध्यात्म या आध्यात्मिकता के बारे में जिस प्रकार से इन्हें जो वर्णन किया है वो तारीफ़ काबिल है। BCN न्यूज़ का मैं आभारी हूँ कि BCN न्यूज़ ने हमें आमंत्रित किया, परम पूज्य गुरुजी को आमंत्रित किया। संजय जी, आपका, BCN न्यूज़ का, पूरी टीम का मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जब किसी को भी कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो, मेरा नाम नितिन बालाराम बाथरी है, मेरा मोबाइल नंबर 9421801048 है। मैं आपका मित्र, आपके लिए सेवा के लिए तत्पर हूँ। आप मुझे कभी भी आपका समझकर आप मुझे फोन कीजिए, जो मुझसे यथासंभव होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घर घर में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो और हमारा भारत और हमारा विश्व खुशहाल हो, सुख समृद्धि से भरपूर रहे। धन्यवाद संजय जी। तो दर्शकों, आप थे आज के हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के ये दो मेहमान, जो पचमढ़ी से आए हुए आचार्य राजुल पांडे और ऊपर राधे राधे जी, और साथ ही साथ नितिन बाथरी। आप दोनों महानुभावों ने काफ़ी अच्छी जानकारी खास मुलाकात इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों आप तक के पहुंचाई है। अगली बार फिर खास मुलाकात इस कार्यक्रम में फिर हम आपको किसी ऐसे ही महानुभावों के साथ में रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय मीरे को इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। नमस्कार महोदय। राधे राधे। संजय जी राधे राधे। नमस्कार।